नमस्कार, इजी होम टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान, आज मैं आपको लेफ्ट ओवर राइस से एक बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही स्वादिष्ट टिक्की बनाना बता रही हूँ। जब हमारे चावल बच जाते हैं तो उसका हम बहुत ही अच्छी तरह से कैसे यूज़ करें, तो यही आप इस वीडियो में देखेंगे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर मैंने एक कप उबला हुआ चावल लिया है ये, और इसमें मैं दो मीडियम साइज के आलू, ये आलू कच्चे नहीं हैं, उबले हुए हैं, तो उबले हुए ही आलू लेने हैं और इनको कद्दूकस करके ही डालना है ताकि इनमें गुठले ना रहें। तो दो मीडियम साइज के आलू मैंने इसमें डाले हैं। अब आलू और चावल को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून, ये पोहे का चूरा है, पोहा जो है फ्लैटन राइस जो है उसको मैंने मिक्सी में पीसा है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला। फुल भर के डालिएगा, चाट मसाले का टेस्ट आपको काफ़ी अच्छा लगेगा इसमें, और चाट मसाला डालना ज़रूरी है। अब हम इसको अच्छी तरह से मसालों को मिला लेंगे। इसका टाइट डो बनके तैयार हो जाएगा। जो हमने फ्लैटन राइस का चूरा डाला है उससे जो टिक्की है बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। अब हाथों को हम चिकना करेंगे और इसकी टिक्कियां बनाएंगे। तो इसको टाइट हाथों से हमने बनाना है। अगर आपके पास लेफ्ट ओवर राइस नहीं है, बचे हुए चावल नहीं हैं, फिर भी आप अगर चावल के साथ इसको बनाते हैं, चावल बनाकर, तो आप देखना इनका टेस्ट कितना अच्छा आता है, एक बार बनाकर देखिएगा। सभी टिक्कियां हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, सभी टिक्कियां हमने बनाकर तैयार कर ली हैं। तो 10-12 टिक्कियां इसमें बनी हैं। अब तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हम टिक्कियां डालते हैं। जितनी इजीली एक बार में आ जाए उतनी हमने डाली हैं। तो मैं इसमें 6 टिक्की डाल रही हूँ। सैलो फ्राई करेंगे हम इसे। फ्लेम को लो मीडियम रखना है। एक साइड से जब ये क्रिस्पी हो जाए तब हम इसको पलट देंगे। देखने, एक साइड से ये सिक चुकी है, अब हम सभी टिक्कियां हैं वो पलट देंगे। फ्लैटन राइस डालने का एक बेनिफिट और भी होता है कि ये बहुत ज्यादा तेल नहीं सोखती हैं अपने अंदर। अब एक बार एक साइड से और पलट देंगे ताकि ये और थोड़ी क्रिस्पी हो जाएं। तो देख रहे हैं आप कितनी क्रिस्पी हो चुकी हैं ये। तो दूसरी साइड से भी हम इसको इसी तरह सेक लेंगे। अब दोनों साइड से ये अच्छी सिक चुकी हैं, करारी हो चुकी हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, और कितनी अच्छी सिकी है, यही कलर आना चाहिए। फ्लेम को बहुत ज़्यादा तेज़ मत करिएगा। अब ये आवाज़ सुन पा रहे होंगे आप, आवाज़ से ही पता लग रहा है कि टिक्की हमारी कितनी क्रिस्पी बनी है। उसको आप हरी चटनी के साथ और सॉस के साथ, केचप के साथ आप खाइए, हरी चटनी केचप दोनों डाल के। अब तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए ऊपर की जो लेयर है वो क्रिस्पी है और अंदर ये सॉफ्ट है, तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सामान भी नहीं लगा है, केवल लाल मिर्च और नमक और चाट मसाला। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह की रेसिपीज़ को लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन जो आता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके।